ये मेरी अम्मी जान का कुरान है, 1353 का। अब काफ़ी साल ही हो गए हैं, 100 साल ही होने वाले होंगे। 88 ईयर ओल्ड कुरान है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 238 और 239 है। इसमें आप देखें ये लिखा हुआ है, फिर आप लोग अपनी हिफाजत, नमाज़ों की हिफाजत किया करो, ख़ास करके दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए अदब से खड़े रहा करो। और आगे है, फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो प्यादा या सवारी पर नमाज़ पढ़ लिया करो, फिर जब अमन पाओ तो अल्लाह को याद किया करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम ना जानते थे। जैसा कि आजकल खौफ का दिन है, खौफ का दौर चल रहा है वायरस की वजह से, तो ये अल्लाह ताला ने बताया है कि कभी भी कोई खौफ हो तो जमात के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्यादा या सवारी, रस्ते में हो, किसी भी सूरत में हो, आप पढ़ सकते हैं नमाज, घर में भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे, मस्जिद में जाके पढ़ने से रोक रहे हैं ताकि लोगों को बीमारी ना लगे। और एक इंसान की जान जो है ना, वो अल्लाह ताला ने फरमाया काबे से भी ज़्यादा मोतबर है। तो इसके ऊपर गौर फरमाएँ और अमल करें। जज़ाकअल्लाह।